Question number 74. In this question, it is saying that A and B are 15 km apart and when traveling towards each other, meet after half an hour. Whereas they meet 2.5 hours later if they travel in same direction. The faster of the two travels at the speed of. Suppose A है और ये B है. इन दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है. इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है. देखो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम. तो हम क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम. तो टाइम हमारे पास कितना था, हाफ एन आवर. हाफ एन आवर करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर. राइट. अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी. अभी भी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर का. अगर सपोज इसकी स्पीड S1 थी और इसकी स्पीड कितनी है, S2 है. अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेट स्पीड कितनी आएगी हमें, S1 माइनस S2. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर का और टाइम इसको कितना लग रहा है, 2.5 आवर्स. इसको हम अरेंज करके क्या लिख सकते हैं बच्चे, 150 डिवाइडेड बाई 25 किलोमीटर पर आवर. ये वैल्यू कितना आएगा, 6. सो S1 माइनस S2 का वैल्यू कितना आएगा, 6. अब S1 प्लस S2 कितना है, 30 और S1 माइनस S2 कितना है, 6. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें S1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 18. S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12. सो लार्जर वैल्यू कौन सा होगा, 18 किलोमीटर पर आवर. सो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2.